भाजपा के एक विधायक है मंडी जिला के, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ। अभी विक्रमादित्य जी इतने बड़े नेता नहीं है और अभी ऐसी उम्र भी उनकी नहीं है कि वो यादाश्त इतनी कमजोर हो जाए। उस बयान में वो विधायक कह रहे थे, जिनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, कि विक्रमादित्य सिंह मोदी जी और केंद्र सरकार का समर्थन भी करते हैं और उनकी निंदा भी करते हैं। प्रदेश सरकार में मंत्री हैं तो उसका कारण को वो काबिलियत के कारण नहीं है, वो एक परिवार के कारण है। उस बयान में वो विधायक कह रहे थे, जिनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, कि विक्रमादित्य सिंह मोदी जी और केंद्र सरकार का समर्थन भी करते हैं और उनकी निंदा भी करते हैं। मैं उनको ये बताना चाहता हूं और उनके माध्यम से प्रदेश की जनता को ये कहना चाहता हूं कि हम तर्कसंगत राजनीति में विश्वास रखते हैं, विद लॉजिक जिसमें हो और फैक्ट्स जिसमें हो। अभी विक्रमादित्य जी इतने बड़े नेता नहीं हैं और अभी ऐसी उम्र भी उनकी नहीं है कि वो यादाश्त इतनी कमजोर हो जाए। वो बहुत लंबे समय से विधानसभा में हैं, ऐसा भी नहीं है। जितनी बार वो जीत के आए हैं उतनी बार मैं भी जीत के गया हूँ। प्रदेश सरकार में मंत्री हैं तो उसका कारण को वो काबिलियत के कारण नहीं है, वो एक परिवार के कारण है। उनके पिताजी हिमाचल प्रदेश में लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं, माताजी कांग्रेस की अध्यक्षा हैं, जिस कारण से आज वो मंत्री हैं। लेकिन मैं उनसे इतना ही कहना चाहूँगा कि जैसा वो कह रहे थे कि मैं जो अच्छा करेगा उसकी तारीफ करूँगा, जो बुरा करेगा उसको मैं क्रिटिसाइज़ करूँगा, वो अच्छी बात है, लेकिन प्रदेश में जो घटित हो रहा है उसको लेकर भी आपको मीडिया में कहना चाहिए। हमने कहा कि आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक दिन आपका बयान आता है, आप तारीफ़ करते हैं और दूसरे दिन आप पलट जाते हैं, और अपने साथी का, अपने क्लीग का, उनके साथ लगातार मैं भी दूसरी बार विधायक हूँ कि ऐसा कहना कि मैं उनका नाम नहीं बोल रहा हूँ, मुझे लगता है वो अपने आप को इतना बड़ा नेता समझ रहे हैं कि वो छोटे मोटे नेताओं की, ये बात सत्य है कि वो राज परिवार से हैं, रजवाड़ा शाही में पले हैं, उनको शायद ऐसा भ्रम हो सकता है, लेकिन हम साधारण परिवार से आते हैं, हम जनता के सेवक हैं, हम लोगों के बीच में संघर्ष करते हुए आज विधानसभा में पहुँचे, तो मुझे लगता है कि इस प्रकार का बयान देना जो है एक प्रदेश सरकार के मंत्री को ही शोभा नहीं देता।